नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार जया पार्वती व्रत का आरंभ आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से होता है और इसका समापन श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस व्रत को 5 या 7 वर्षों तक रखा जाता है। इसके पश्चात ही उद्यापन किया जाता है। इस व्रत को विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं रख सकती है। साल 2024 में जया पार्वती व्रत का आरंभ होगा 19 जुलाई को और समापन होगा 24 जुलाई को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि त्रयोदशी तिथि कब है, पूजा की विधि क्या है और प्रदोष काल पूजा का समय क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माँ पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। लकड़ी की एक साफ चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। उसके पश्चात पूजा आरंभ करें। सबसे पहले जल अर्पित करें। फूल, माला, सिंदूर, सफेद चंदन, कुमकुम, रोली, अष्टगंध आदि अर्पित करें। उसके पश्चात फल, नारियल, मिठाई अर्पित करें। विधि पूर्वक पूजा करें। घी का दीपक जलाए, धूप जलाए, माँ पार्वती का स्मरण करते हुए उनकी पूजा करें। जया पार्वती व्रत की कथा को पढ़े या सुने। बिना नमक अनाज खाए लगातार व्रत रखें। उसके पश्चात शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। साल 2024 में जया पार्वती व्रत का आरंभ होगा 19 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार को। प्रदोष काल पूजा का समय रहेगा शाम के 7:19 से 9:23 तक। कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 3 मिनट की। त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा 18 जुलाई की रात 8:44 पर और समाप्ति होगी 19 जुलाई की शाम 7:41 पर। व्रत का समापन होगा 24 जुलाई 2024 दिन बुधवार को। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।